हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। विक्रम मूवी देखने के बाद आप सभी लोगों के मन में काफी सारे डाउट होंगे एंड काफी सारे इस टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे कि विक्रम मूवी के बाद अब कौन सी अगली मूवी आएगी, दिल्ली एंड रोलेक्स के बीच का कनेक्शन है, कैथी 2 की स्टोरी क्या होगी, क्या कैथी 2 के अंदर हमें रोलेक्स देखने को मिलेगा एंड एक और मेन सवाल ये कि इस यूनिवर्स में कौन किसकी तरफ है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। साथ ही कैथी 2 को लेकर भी कुछ अपडेट्स हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। बस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। टॉपिक शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो अगर नहीं किया तो, ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। सबसे पहले बात करते हैं कैथी 2 को लेकर, इस मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है। तो अभी रिसेंटली डायरेक्टर लोकेश ने कैथी 2 को लेकर कुछ अपडेट्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कैथी 2 की स्टोरी एक प्रीक्वल होगी, जहां दिल्ली की जेल जाने से पहले की स्टोरी को दिखाया जाएगा। और शायद आपको याद होगा कि दिल्ली एक कबड्डी प्लेयर था, उसने काफी सारे कप्स भी जीते थे एंड उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर क्या हुआ था ये भी हमें दिखाया जाएगा। क्योंकि अगर आप एक बार कैथी मूवी पर नजर डालो तो पूरी मूवी के अंदर कहीं पर भी जरा सी भी उसकी बैक स्टोरी को नहीं दिखाया गया है। उसकी वाइफ को क्या हुआ था एंड दिल्ली को 10 साल के लिए जेल क्यों जाना पड़ा था ये कोई नहीं जानता। कैथी मूवी के अंदर वो सीन याद करो जब दिल्ली पहली बार ट्रक से उतरता है विलन से लड़ने के लिए, तब वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि सर आपको ये तो पता है कि मैं पिछले 10 साल से जेल में था, बट आपको ये नहीं पता कि मैं जेल में क्यों था। तो इस लाइन को सुनकर दिल्ली का क्या लेवल है वो आप समझ सकते हो। मूवी के अंदर जो लोग उसे पहले से जानते हैं उन्हें पता होगा कि दिल्ली कोई मामूली चीज नहीं है। क्या पता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए उसने लोगों को मारा हो और उसके बाद उसे 10 साल की जेल हुई हो, बट मुझे तो कोई इससे भी बड़ा रीजन लग रहा है। अगला सवाल आता है कि क्या सच में कैथी 2 के अंदर हमें रोलेक्स देखने को मिलेगा। तो हाँ, ये ऑलमोस्ट कन्फर्म है, इसीलिए तो रोलेक्स को विक्रम मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। और आप ये देखो कि विक्रम मूवी से ज्यादा तो रोलेक्स सर के चर्चे हैं। जो हाइप डायरेक्टर साहब ने रोलेक्स को इंट्रोड्यूस करके अपनी अपकमिंग मूवीज के लिए बनाई है वो नेक्स्ट लेवल है। जरा इमेजिन करो कि सिर्फ 5 मिनट के रोल ने ये हाल किया है, जब मूवी के अंदर अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिलेगा तो उसके बाद क्या हाल होगा। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कैथी 2 के अंदर हमें फहद फासिल भी नजर आएंगे। अब मैं एक बार फिर से रोलेक्स पर बात करना चाहूंगा। वैसे ये कैरेक्टर इतना बवाल है कि इस पर कितनी बात कर लूं उतनी कम है। इनका ये एंट्री सीन मैं न जाने कितनी बार देख चुका हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से रोलेक्स को विक्रम मूवी के अंदर दिखाया गया है उससे पता चलता है कि ये सबसे बड़ा ड्रग माफिया है। विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर मूवी के अंदर दिखाया गया था एंड स्पेशली जब उसकी एंट्री होती है तो उसे देखकर तो ये लग रहा था कि यार मूवी के अंदर इससे तगड़ा तो क्या ही विलन होगा, बट इसकी भी रोलेक्स से फट रही थी। सिर्फ एक बंदे को मारने के लिए पीछे दो दो तीन तीन हीरो लगे हुए हैं, तो जरा सोचो विलन का क्या लेवल होगा। कैथी मूवी के अंदर सबसे पहले रोलेक्स का करीब 900 किलो का माल पकड़ा गया था, जिसका नुकसान उसे दिल्ली की वजह से हुआ था। उसके बाद इससे भी ज्यादा माल पकड़ा गया है विक्रम मूवी के अंदर, जो कि एजेंट विक्रम की वजह से उसे वापस नहीं मिल पाया। तो अब सिंपल सी बात है कि रोलेक्स इन दोनों को ढूंढेगा ही। साथ ही जो फहद फासिल का कैरेक्टर है अमर, काफी हाई चांसेस है कि ये भी विक्रम के साथ खड़ा हो सकता है, क्योंकि ये भी एक कमांडर ही है विक्रम के जैसे इसका भी कोई नहीं है। हाँ, वैसे विक्रम के पास उसका पोता है एंड दिल्ली के पास उसकी बेटी है, बट इन तीनों ने अपनी लाइफ में काफी कुछ खोया है। अब एक और काफी एक्साइट करने वाली बात यह है कि दिल्ली के लिए उसकी बेटी एंड विक्रम के लिए उसका पोता, हो सकता है कि रोलेक्स इन दोनों को टारगेट करे, क्योंकि ये बंदा कुछ भी कर सकता है अगर ये चाहे तो। एंड इन दोनों के लिए इनके बच्चे इनकी कमजोरी है। दिल्ली अपनी बेटी के साथ चैन से जी रहा है, बट क्या आपको लगता है रोलेक्स का इतने करोड़ का नुकसान करने के बाद वो उसे चैन से जीने देगा। और कैथी में तो इसके पास कुछ खोने को नहीं था, बट अब इसके पास इसकी बेटी है, तो खुद के साथ साथ अब बेटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपके मन में एक सवाल ये भी होगा कि दिल्ली, विक्रम एंड अमर, ये तीनों अगर एक साथ हो जाएंगे तो फिर रोलेक्स तो अकेला पड़ जाएगा, बट मेरी जान विजय सेतुपति इनके साथ जुड़ सकते हैं। What? Bro, what are you talking about, man? कुछ भी? हाँ, मुझे पता है कि आप यही सोच रहे होंगे कि ये क्या क्या बोले जा रहे हैं। कुछ भी, मूवी के अंदर विजय सेतुपति का कैरेक्टर तो मर चुका है, बट क्या सच में आपने उसे मरते हुए देखा? नहीं ना, फिर कैसे मान सकते हैं। मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ कि ये सिनेमा है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तीन जबरदस्त हीरो से लड़ने के लिए रोलेक्स को काफी सारे लोगों की जरूरत होगी। नो डाउट किसी के पास काफी सारा पैसा है, पावर है, मनी है, बट संधनम रोलेक्स से काफी काम आ सकता है। एंड मुझे नहीं लगता कितने तगड़े विलन को डायरेक्टर इतनी जल्दी मारना चाहेगा। डायरेक्टर चाहे तो कैथी 2 को विक्रम की एंडिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हमें दिल्ली की आवाज सुनाई दे रही थी। विक्रम मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, फिर चाहे वो संधनम हो या फिर अमर, रोलेक्स, इन सभी पर एक स्पेशल मूवी बन सकती है। रोलेक्स पर तो जरूर बनेगी आने वाले टाइम में, ये तो ऑलमोस्ट कन्फर्म है। वैसे इन तीनों कैरेक्टर्स में से आप किस पर सबसे पहले एक डेडिकेटेड मूवी देखना चाहोगे, मुझे कमेंट करके बताओ। ये अपडेट्स एंड थ्योरीज अगर आपको पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना एंड अकेले अकेले मजा मत लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनकी भी कुछ एक्साइटमेंट बढ़े। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो, अगर कर रखा है तो बेल आइकन दबा देना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।